दोस्तों, क्या आप भी अपने बच्चों को फ्री एजुकेशन देना चाहते हैं? आप चाहते हैं कि आपका बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़े, शहर के टॉप स्कूलों में अगर वो स्टडी करे तो आपको भी अच्छा लगेगा। तो ये सपना आपका पूरा हो सकता है, बहुत इजी है, मुश्किल बिल्कुल नहीं है। सिंपली होता क्या है कि हमें कहीं ना कहीं लैक ऑफ इंफॉर्मेशन या नॉलेज की कमी की वजह से हम इस एक्ट को नहीं समझ पाते। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, अगर हमारे पास नॉलेज इन्फॉर्मेशन होती है तो हम उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, अदरवाइज हम उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैप नहीं कर सकते। आपको बताया आरटीई एक्ट है, आरटीई के थ्रू आपको बताया राइट टू एजुकेशन, इसके थ्रू 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कराने का गवर्नमेंट का एक प्रावधान है। गवर्नमेंट चाहती है कि 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाए और उसमें किसी भी तरीके का उससे पैसा ना लिया जाए। और आपको ये बात भी यहाँ पर जानकर आश्चर्य होगा कि जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं उनमें 25% सीट्स रिजर्व होती हैं आरटी के एडमिशन के लिए। अब आप गैस करिएगा कि आपके आस पास कोई अच्छा कॉलेज है, अच्छा स्कूल है, जहाँ पर आप उस स्कूल में फीस की वजह से या फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से आप एडमिशन नहीं ले पाते हैं। तो ये आप आज प्लान करें, आज ही डिसीजन लें और अपने बच्चों के एडमिशन आरटी के थ्रू उन स्कूलों में करा सकते हैं। सिंपली आपको स्टेप क्या करने हैं, अपने बच्चों के लिए जो बेसिक डॉक्यूमेंट होते हैं वो आपको तैयार करना है। एक कंडीशन इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि फादर की इनकम 1 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर 1 लाख के अंदर फादर की इनकम है पर ईयर की तो आपके बच्चे आरटी के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। बच्चे के डॉक्यूमेंट उसमें रिक्वायर्ड होंगे, जिसमें कास्ट सर्टिफिकेट होता है, बर्थ सर्टिफिकेट है, आधार हो गया। अगर ये डॉक्यूमेंट आपके पास है तो आप किसी भी कैफे पे जाके आरटी का फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आरटी में एक बार आपका फॉर्म फिल हो गया और आपके बच्चे का नंबर अगर किसी स्कूल में आ जाता है तो आप ये मान के चलें 14 साल तक की एज तक उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन लेगा। ना तो आपको किसी तरीके का फीस देना है, ना ही किताबों का खर्चे, ना एडमिशन फीस, कुछ भी नहीं पे करना है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप आरडी के बारे में डिटेल में जानना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पर भी क्लिक करके उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए, जब कोई चीज़ आपको फ्री में मिल रहा है और उसको हम लेने की कंडीशन में हैं, यानी कि वी आर एलिजिबल टू ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी, तो हम वेट क्यों करें? तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे, आरटी के थ्रू अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप ले सकते हैं, बट कुछ सिस्टमेटिक वे हैं जिसको आपको फॉलो करना है। आरटी की वेबसाइट पर जाना है और फॉर्म फिल कर देना है। साल में 3 बार फॉर्म फिल किया था, अगर पहली बार में नंबर आ जाता है तो वेल एंड गुड, दूसरी बार में नहीं, पहली बार में नहीं आता दूसरा का ट्राई करें, फिर भी नहीं आता दूसरा का ट्राई करें, तो 3 बार आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, 3 बार लॉटरी निकलती है। तो उम्मीद है ये वीडियो आप समझ पा रहे होंगे, वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।